फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम्स, विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यदि कुछ डाउट है तुम लोगों को कुछ भी ऐसा रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉल कॉन्सेप्ट, इस सेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस तुम लोग किसी बुक में देख पा रहे हो, कुछ भी नया क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तुम लोग मुझे पहले से व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अदरवाइज अभी भी डिस्कस कर सकते हो। सो इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग वन बाय वन, जैसे लास्ट क्लास के जैसा मैं कुछ प्रॉब्लम शेयर करूंगा, कुछ टाइम दूंगा तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग का, नहीं होगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तुम लोग। सो एज पर लेट्स से क्वेश्चन इज कंसर्न, वन बाय वन मैं कुछ और क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ। लेट्स से फॉर टुडेज लेक्चर दिस मे बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। This is the question related to uncertainty principle. An electron having wavelength root pi into 10 to the power minus 10 meter with uncertainty of 2.5 into 10 to the power minus 15 meter. Then the uncertainty in position in meter for electron is. So out of four options, obviously एक ऑप्शन उसमें ट्रू है और तो तुमको बताना है वो। यस, देखो मुझे एक आंसर मिल गया है ऑलरेडी, मोस्ट प्रोबेबली उस बच्चे का आंसर सही भी था, है ना। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है। ये केविन अच्छा बच्चा है, ये जल्दी जवाब देता है यार, है ना। देखो मुझे एक बच्चे का आंसर मिल गया है, बाकी बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा यार जल्दी। An electron having wavelength this much meter with uncertainty, then the uncertainty in position of the electron is. Obviously, you have to apply this type of formula. मैं फिर से, yes, Uday, तुम्हारा आंसर भी सही है। Yes, बच्चे ये लिखा है तुम लोगों ने, सो एज पर आंसर इज कंसर्न, लेट्स से इट शुड बी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा लैम्डा शुड बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये पेन बड़ा मोटा सा हो रहा है मेरा, एक कहां ऑप्शन होता है इसमें पेन का, ये वाला। अच्छा अब ठीक, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई यू हैव टू अप्लाई, है ना। सो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इज 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 शुड बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर विच इज रूट ऑफ pi into 10 to the power minus 10 iska square divided by 4 pi, and you have to just find out the value of delta x. If you do precisely, it comes out to be 10 to the power minus 6 meter, which is A option.
यस, कुछ ऐसा ही आएगा आंसर इसका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई. सिंस डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा गिवन है, और लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू भी गिवन है, सो योर आंसर शुड बी लेट्स से ए ऑप्शन. यस सर. भाई इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है क्वेश्चन में? ऐसे ये रिलेशन हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है ना. See, have you note down the question and solution? Yes, sir. So now it is the time to share the next question. वैसे मैं पहले इसके जैसे से ही questions दूंगा, और भी है ना, और भी let's say इसके जैसे से ही questions पहले हम लोग करेंगे, है ना? जैसा next question. Uncertainty in position of hypothetical subatomic particle is 1 angstrom. Uncertainty in velocity, then the mass of particle is approximately. See, यहाँ तो more or less शायद हम लोग को 10 की power ही find out करना है, and then you can do approximate calculation. देखो बहुत सारे बच्चों का मुझे एक ही आंसर आ रहा है, शायद वो आंसर सही भी होना चाहिए. ओके, बहुत सारे बच्चों का मुझे सी सी आंसर आ रहा है, किसी और बच्चे का सी के अलावा कोई आंसर आ भी नहीं रहा है. सो मोस्ट प्रोबब्ली योर आंसर शुड बी सी. अगेन टू जस्ट वेरीफाई योर आंसर, लेट्स से इट इज जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर, इट इज डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम डेल्टा वी. Yes, it should be equal to, let's say, h divided by 4 pi. M should be equal to h divided by 4 pi divided by delta x divided by delta v, which is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 in SI unit. It is 4 pi delta x का वैल्यू इज 10 रेस टू द पावर माइनस 10 एंड इट इज 0.3 डिवाइडेड बाई 4 पाई. ऑब्वियसली यहां से 4 पाई एंड 4 पाई गॉट कैंसल्ड आउट और ये आ जाता 2. सो m का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस टू द पावर. अच्छा यहां मेरे पास एक एडिशनल टर्म था 10 रेस टू द पावर 5 का, so 5 यहां बच जाता, ये लेट्स से माइनस 5 एंड 24 माइनस 5 इज लेट्स से माइनस 29. सो दिस मच ऑफ किलोग्राम मींस सी ऑप्शन शुड बी योर आंसर. तो ये काफी बच्चों ने आंसर दिया है, आई होप ये आंसर, ये क्वेश्चन आसान भी था रिलेटिवली. ठीक है, पहले कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के और भी आसान आसान क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं. यस, हैव यू नोट डाउन दिस? यस बच्चों, ये लिखा है तुम लोगों ने? यस सर. यस सर. नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली. ये भी आसान है, तुम लोग जल्दी से फोड़ पाने चाहिए इसको. ओके, इट्स मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट, है ना?
Here, more than one choice is correct related to photoelectric effect. Sorry, related to uncertainty principle. और इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है, इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मुझे आंसर आ रहा है. अच्छा, ये याद रख सकते हो, इट इज ए बी सी डी है ना, बी बी है ना, uncertainty in angular momentum multiplied by uncertainty in angular position. So, ये सब के सब uncertainty principle के statement है ना? ये सब के सब uncertainty principle के statement है. Yes, is it clear? Sir, C option कैसे आएगा? The C option कैसे आएगा? Even B option कैसे आया है या A option कैसे आया है? हम लोग नहीं कर सकते बेटा इस लेवल पे, है ना? हाँ, बस हम लोग डायमेंशन देख सकते हैं कि सबका डायमेंशन एक जैसा सही है ना? जैसे मतलब इट इज जस्ट टू समराइज एज पर डायमेंशंस आर कंसर्न. जैसा सपोज यहाँ डेल्टा पी को मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को, ए पार्ट को. अच्छा, डू यू थिंक ये वाला पार्ट हो गया द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विच इज नथिंग बट फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. डू यू थिंक इट इज वर्क डन और डेल्टा ई एंड डेल्टा टी. सो इट इज जस्ट, यू कैन जस्ट कोरिलेट दिस थिंग, है ना? बट वी नो एनर्जी एंड टाइम इज आर डिफरेंट, डिफरेंट डायमेंशंस ओनली. यस, आर यू गेटिंग? यस सर, गॉट इट. रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओनली. बेटा ये फोर लिखे हैं तुम लोगों ने इलेवेंथ का? सर एक मिनट, सर टू मिनट. Yes, have you noted down this? अब लिखा है? हाँ सर, लिख दिया. Okay, now इसके जैसा सही है ना? इसके लिए तुम लोग खुद से ट्राई करना. लेट्स से इफ दिस स्टेटमेंट है ना,
ध्यान से देखना बेटा, है ना? अनसर्टेनिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जस्ट रिमेंबर, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी बी एंड डी। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है बी एंड डी, बट उसमें शायद मास कहीं मिसिंग है किसी ऑप्शंस में। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है ए सी डी। अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। एसी नहीं। देखो उसका जो आंसर है इट इज ओनली सी। उसका जो आंसर है इट इज ओनली सी, वन बाय वन क्यों गलत है हम लोग देख भी लेते हैं, है ना? देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये होना चाहिए था करेक्टली एच डिवाइडेड बाय फोर पाई एम डेल्टा वी। यहां एम वाला टर्म मिसिंग है एंड दस ये नहीं हो सकता, है ना? नाउ ए ऑप्शन में अगर मुझे डेल्टा के ई अगर फाइंड आउट करना होता, ये टेक्निकली देखो कुछ ऐसा आना चाहिए था मेरे पास, हाफ एम एंड लेट्स से डेल्टा ओ लेट्स से इसको मुझे वी स्क्वायर लिखना चाहिए टेक्निकली। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा वी और डेल्टा वी स्क्वायर में डिफरेंस है? यस सर। तो इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता था, बी आंसर नहीं हो सकता था। एंड सेम इज डी आल्सो। डी में भी वी नो लेट्स से लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, या हम लोग देखो कैलकुलस के बाद सीखेंगे इसको कि डेल्टा लैम्डा का वैल्यू एक्चुअली ये हो जाता है एच डिवाइडेड बाई पी टाइम्स ऑफ डेल्टा लैम्डा। किसी बच्चे को आता है थोड़ा बहुत कैलकुलस? ये हम लोग ऐसा लिख पाते हैं ना, मतलब हम लोग टेक्निकली ये कुछ ऐसा लिख सकते थे, यहाँ यहाँ ये डेल्टा पी, डेल्टा पी, है ना? तो ये वाला टर्म भी गलत है बेटा, है ना? अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। यार ये देखो हम लोग इस इक्वेशन से प्रूव कर लेंगे, या मतलब इसके ऊपर लिख भी सकते हो बेटा, ये आफ्टर कैलकुलस, है ना? हम लोग कैलकुलस के बाद इसको प्रूव कर लेंगे।
कि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ये हो जाता टेक्निकली एच अपॉन पी स्क्वायर डी पी हो जाता है ना, पढ़ लेंगे ऐसा। तो मैं ये जरूर बता सकता हूं ए बी डी कैसे रॉन्ग है, और सी के लिए कुछ ऐसा रिलेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा बेटा, है ना। सी सी के लिए कुछ ऐसा रिलेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी के लिए ना कुछ ऐसा याद कर लो कि भाई इस तरह का एक रिलेशन हम लोग कैलकुलस से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोग कर भी लेंगे, है ना। अच्छा, ऑप्शन ए रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए में टेक्निकली ये ऐसा होना चाहिए, है ना। ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में और ये टर्म्स में डिफरेंस है ना, वो डेल्टा वी का स्क्वायर है और एक डेल्टा टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर है ना। तो देखो कैलकुलस से ना हम लोग समझ भी लेंगे सी ऑप्शन कैसे आया है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी स्क्वायर डेल्टा पी। फिर तो ये बन जाएगा ना, डेल्टा पी को मैं लिख लूंगा एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वी एंड पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m को हम लोग लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे फिर से याद दिलाना नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, शायद जब तक तुम लोग कैलकुलस पढ़ चुके होंगे, है ना। बट अभी के लिए ए कंफर्मली गलत है, डी गलत है और बी गलत है। सी को हम लोग कुछ ऐसा प्रूव कर पाएंगे आफ्टर कैलकुलस, है ना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग फिर से कैलकुलस के बाद भी रिपीट करेंगे। डन। ए गलत क्यों है और बी गलत क्यों है, एटलीस्ट वो समझ में आ रहा है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हम लोग कैलकुलस के बाद देखेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड ही देखता हूं कुछ और क्वेश्चन मैं शेयर कर सकता हूं क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। Okay, just do one more question related to uncertainty principle. It is a very common question. An electron is allowed to move freely in a closed cubic box of length of the side 10 centimeter. The uncertainty in its velocity will be. The point is, suppose in this cube, electron can be present anywhere. Electron inside the cube can be present anywhere. Suppose this may be electron here. It can be present within the cube. And this side length is given as 10 centimeter. Its side length is given as, let's say, 10 centimeter. Yes, bhai, मुझे दो आंसर आए हैं, वो दो आंसर सही भी है, तीसरा आंसर भी मेरे पास सही है। विशेषा, तुम्हारा आंसर बेटा सही नहीं है। यस आदित्य, तुम्हारा आंसर सही है। प्रीतन, तुम्हारा आंसर भी सही है। शुभम, तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा।
यस वेरी गुड. तो किसी एक बच्चे ने मुझे एक्सप्लेनेशन भी बताया है. कौन है ये? मानस. मतलब कैन यू फाइंड आउट लेट्स से डेल्टा एक्स मैक्सिमम का वैल्यू. डेल्टा एक्स मैक्सिमम डू यू थिंक इट विल बी नथिंग बट रूट थ्री टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर. मतलब इफ यू सी दिस मे बी द क्यूब डायगोनल विच इज रूट थ्री ए, है ना? तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी विद इन द क्यूब कैन बी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्यूब इन साइड द क्यूब विच इज रूट थ्री ए. वंस यू नो डेल्टा एक्स का वैल्यू एज रूट थ्री इंटू 10 सेंटीमीटर, सो ये जो डेल्टा वी का वैल्यू है विच इज एच डिवाइडेड बाई 4πm एंड यहां आ जाता डेल्टा एक्स. तो ये वाला जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बी ऑप्शन आ जाए. तो हम ये क्यूब डायगोनल के अलोंग ले लेंगे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? काफी कॉमन क्वेश्चन है. ये कैलकुलेशंस पूरा कर लोगे तुम लोग, एच का वैल्यू पुट कर लोगे, पाई का वैल्यू, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा एक्स का वैल्यू. It will get something very close to B option. Yes, बच्चे कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir, हो गया. So next question. ठीक है, मतलब इसके काफी सारे क्वेश्चंस हो गए. अब हम लोग कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ना. पहले ये क्या है? ओके ठीक है, पहले कुछ बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करेंगे. यस बच्चे ये पैराग्राफ पढ़ो तुम लोग पहले अच्छे से, और इस पैराग्राफ के बेस पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों का आंसर बताना है ना. ऑल्दो इस तरह की चीजें हम लोगों ने पहले भी की है ना, क्योंकि मास को हम लोग चेंज कर दें और चार्ज को हम लोग चेंज कर दें, है अच्छी बात क्या है, मेरे पास वेलोसिटी और रेडियस का फार्मूला भी दिया हुआ है. लेट्स से इट इज क्वेश्चन नंबर वन and it is question number 2. तुम लोगों को मुझे दोनों आंसर बताने हैं.
क्वेश्चन नंबर वन भी और क्वेश्चन नंबर टू भी। यस स्निग्धा तुम्हारा आंसर सही है, उदय तुम्हारा आंसर गलत है। स्निग्धा तुम्हारा आंसर सही था बेटा। वशिष्ठ राजगुरु बेटा तुम्हारा आंसर गलत है। पहले फर्स्ट का आंसर ही बता सकते हो तुम लोग मुझे। नहीं ध्रमिल तुम्हारा आंसर गलत है। देखो भाई अभी तक मुझे एक ही बच्ची ने आंसर सही बताया है, स्निग्धा ने। यस उदय अब तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा भी। यस मानस तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा। यस सुयश आंसर तुम्हारा ठीक है अजय बेटा। ये थोड़ा जो ख्याल रखना है वो कुछ ऐसा। यस उदय तुम्हारा सही आंसर था, तुम्हारा गलत बताया तुमने। मास 208 टाइम था, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस 3e है ना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का चार्ज लेट्स से प्लस 3e है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। सो हेयर यू कैन सिंपली से द मॉडिफाइड रेडियस या यू नो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर 208 टाइम्स ज्यादा कर दिया है, so do you think the modified radius should be equal to, modified radius should be equal to original radius divided by 208, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अब मैंने 208 टाइम या उस पार्टिकल का मास 208 टाइम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इट मीन्स of z this much of angstrom, right? Yes radius is 0.53 n square divided by 208 z। acha shayad answer kuch aur hi aa raha hai, acha jo bhi aayega dekhte hai na। Now it should be equal to 0.53 n square divided by 208 डिवाइडेड बाई 3 है ना। ये 3e था तो z का वैल्यू 3 है एंड शुड बी इक्वल टू 0.53। तो 0.53 कैंसल्ड आउट हो गया तो n स्क्वायर का वैल्यू आ जाना चाहिए 208 इंटू 3 है ना, विच इज नथिंग बट लेट्स से 624। So obviously क्वेश्चन में पूछा भी था अप्रोक्सीमेटली है ना, क्वेश्चन में पूछा भी है कि अप्रोक्सीमेटली, तो डू यू थिंक ये अप्रोक्सीमेटली अब n का वैल्यू 25 है
मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। यस मैं बताता हूँ ना, एज पर रेडियस का फार्मूला इज कंसर्न, डू यू थिंक इट इज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एम? हाँ सर। अच्छा, मास को 208 टाइम कर दिया था। अगर मास 208 टाइम हो गया है तो कैन वी से मैं मास को कुछ ऐसा लिख सकता, रेडियस को अब ऐसा लिख सकते थे, रेडियस 208 डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना? हाँ सर। आर आर का वैल्यू पुट कर दिया जो पहले कितना होता था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, सो नाउ यू कैन से दिस विल बी मॉडिफाइड रेडियस। जेड का वैल्यू 3 पुट कर दिया हम लोगों ने, एंड दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस विच इज 0.53, एन स्क्वायर का वैल्यू आ गया 624, एंड दिस एन का वैल्यू आ गया अप्रोक्सीमेटली 25। ओके, यस क्लियर है? हाँ सर। ओके चलो, अब मेहनत करके मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ तुम। सुयश नहीं बेटा, 2 का आंसर। यस उदय तुम्हारा सही है। TN is the time period of revolution. Yes, Manas, तुम्हारा भी सही है बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग को हटा दूं मैं? सर 2 मिनट्स। नाउ यू नो एज पर टाइम पीरियड इज कंसर्न, it is equal to 2 pi r n divided by v n, it is inversely proportional to revolution frequency. It is 2 pi r n and let's say divided by Vn. अच्छा, Vn is independent of, let's say, the Z के टर्म में तो है, so here can we say it is now this Tn to Tn should be directly proportional to ये वाला टर्म, यहाँ आर एन के को एक तो डिनोमिनेटर में है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में है, फिर वेलोसिटी। यस अनुष्का तुम्हारा आंसर सही है बेटा, वेलोसिटी यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में था, जेड के, है ना? So from here you can say as per Tn is concerned, Tn will be proportional to, it is Z square and it is mass of electron. Z obviously यहाँ 3 है और mass of electron हो गया है 208 times. So can we say modified time period should be equal to time period divided by 3 ka square and 208, which comes out to be Tn divided by 1872.
सक्षा थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ रेडियस, एज पर रेडियस इज कंसर्न, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, है ना. रेडियस, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. वेलोसिटी वहां डिनोमिनेटर में है. सर आप ये और एक बार समझा सकते हैं? ओके, बिल्कुल समझाऊंगा. देखो मैं बताता हूं तुम लोगों को, ये क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों ने, क्वेश्चन का आइडिया है. मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं, मैं वापिस से शेयर करूंगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार लिख देखता हूँ, समझो उसको, है ना. मेरे पास वेलोसिटी है ना, यहाँ जो वेलोसिटी है, वी नो वेलोसिटी इज 2πkze² डिवाइडेड बाई एन एच, एंड रेडियस इज n²h² डिवाइडेड बाई 4πm²ze². यही है ऐसा वेलोसिटी का फार्मूला एंड रेडियस का फार्मूला. हेयर ये जो मास है अब्जा m डैश, इट इज 208 टाइम्स ऑफ m, और z का वैल्यू मुझे 3 पुट करना है. एज पर टाइम पीरियड इज कंसर्न, इट इज नथिंग बट लेट्स से इट इज 2πrn डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, है ना. कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, और कितना सर्कुमफ्रेंस कवर हो जाएगा पर रिवॉल्यूशन, इट इज 2πrn. ये समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड 2πrn डिवाइड बाई vn होगा? Yes, sir. अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन वी से टाइम पीरियड, रेडियस, रेडियस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज जेड. सो यू कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड जेड. वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. फ्रॉम हेयर यू कैन से टाइम पीरियड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर. तो अगर मुझे यहां मॉडिफाइड, है ना, मॉडिफाइड मैसोन्स के लिए फाइंड आउट करना था, इट शुड बी, कैन वी से ये मॉडिफाइड मास जो इसके इक्वल था, और यहां जेड का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहां आ जाता है 3 का स्क्वायर. हाइड्रोजन के लिए इस फार्मूले में जेड का वैल्यू क्या हो जाता? 1. So can we say Tn dash should be equal to मुझे समझ में आ रहा था क्या लिखा था? हाँ सर आ गया. हाँ, Tn dash मेरे पास आ रहा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आ रहा था जेड स्क्वायर, है ना. तो मास को 208 टाइम किया था और जेड को 3 टाइम किया था, है ना. सो वो आ जाता 208 × 9 टाइम्स, है ना. यस सर. तो मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूँ, उतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा तुम लोगों ने डिफिकल्ट बना लिया है, अनफॉर्चुनेटली एरर. तो यहाँ मेरे पास जो आंसर आना चाहिए था, यहाँ जो मेरे पास आंसर आना चाहिए था, इट इज सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन. यस, आर यू गेटिंग? यस सर. चलो ऐसा ही मैं और क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ, चलो उसको ट्राई करना, है ना.
देखिए जब तुम लोगों का आईआईटी जेईई एडवांस के टेस्ट होने स्टार्ट होंगे तो कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे अपार्ट फ्रॉम सिंगल चॉइस करेक्ट, है ना, जहां थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी होगी और पैसेज के बेस पे तुम लोगों को क्वेश्चंस करना होगा. जैसा नेक्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन मे बी ऑफ लेट्स से दिस, है ना, सो 10.28 का आंसर तुम लोग बता सकते हो, 10.29 का एंड 10.30 का. पहले तुम लोग 10.28 का मुझे आंसर बताओ. अच्छा, ये सब सिंगल चॉइस करेक्ट ही हैं. टेन पॉइंट टू एट का आंसर. यस, मानस क्या बता रहा है भाई, 10.28. अरे 10.28 का आंसर क्या है? यस मानस, तुम्हारा आंसर सही है. यस मानस, तुम्हारा आंसर सही है बेटा. यस उदय, तुम्हारा आंसर भी सही है. वशिष्ठ राजगुरु, बेटा नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है. सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस थर्ड ऑर्बिट है ये, है ना. यस नमन शेट्टी, तुम्हारा आंसर सही है. सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड ऑर्बिट है ये, है ना. यस श्रेयस, आंसर सही है बेटा तेरा. एक तो हम लोग 10.28 के लिए ये जरूर लिख सकते थे कि जो, यस केविन सही है बेटा, ये 13.6 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, है ना, ये जो एनर्जी मेरे पास आता, इट इज 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई थर्ड ऑर्बिट विच इज 3 का स्क्वायर, इट इज 13. जेड का वैल्यू 3 आ जाता है ना, फ्रॉम हेयर जेड का वैल्यू 3 है. तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया ऑब्वियसली. फोटोन ऑफ एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन आयोनाइज फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. Do you think ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही आएगा? Do you think ये वाला जो टर्म है वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है कि कम है? 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 9. सर इट इज 30.6. यस 30.6 है, तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयोनाइजेशन नहीं होगा, है ना. Now, upon de-excitation from 4 to 2, the emitted photon has wave number. This C option सही है क्या अनुज? इसका wave number मुझे find out करना है, which is Rydberg constant times of 3 का square
and 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square, which is 9 times of R multiplied by, ये है 1 upon 4 and let's say 1y, तो ये आ जाता मेरे पास 3 divided by 16, so 27 by 16 आना चाहिए था, तो C भी गलत है, बस मेरे पास D option सही हो जाए. Yes, बच्चे 10.28 समझ में आ रहा है कि A, B, C गलत है और D option सही है? Yes, sir. Yes. मानस, ये तो next answer किसका बता रहा है? Sir. हाँ, बोलो. Sir, can you explain D option? D. ऑब्वियसली अगर मुझे पता चल गया है कि ये लिथियम 2 प्लस है, अगर ये लिथियम 2 प्लस है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाता, बस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आंसर मैच कर जाएगा, है ना. Yes, Shuyas, तुम्हारा आंसर सही है बेटा 10.29 का. मानस, नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है बेटा. अच्छा बेटा, 10.28 सब बच्चों को क्लियर है अभी क्या? 10.28, अगर मुझे पता चल गया कि ये लिथियम 2 प्लस है तो फिर सारी कैलकुलेशंस की जा सकती है ना. यह समोक, 10.29 तुमने सही बताया है. वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है, देन 10.29 योर आंसर शुड बी. वत्सल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स ग्राउंड स्टेट का कितना एनर्जी है निगेटिव में, क्योंकि बाहर तो जीरो है, वो डिफरेंस हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा. तो वत्सल में सीधे सीधे आयोनाइजेशन एनर्जी, हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी में सीधे सीधे ये बोल सकता हूं, 1 upon n square minus 1 upon infinity square. 10.29 is the B option as a answer. Since यहां मैं formula use कर सकता था, 1 upon lambda is, let's say, Rydberg constant times of z square, 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square, and it is, let's say, 1216. So denominator mein hai wo, na? Means yahan ye jo value tha, main ye wala formula use kar lu aur ye wala value mere paas aa jata 1216, na, 1216 angstrom. फिर यहां से z, यहां से सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू 2 आ जाएगा. z का वैल्यू 2 है, मींस इट इज हीलियम प्लस. अच्छा, लास्ट का आंसर क्या था? 10.30 का. यस अक्षा, तुम्हारा आंसर सही है. अगर फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 162 है तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का वैल्यू, अच्छा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होने वाला है फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट.
मीन्स क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल विच इज 162 शुड बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये वाला वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. एंड देन द सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, लेट्स से मैं उसको एक्स अज्यूम कर लेता हूं, जो हो जाता 13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर. मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, चाहे तो दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, है ना, हम लोग चाहते तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते थे. क्योंकि यहां से सॉल्व करो बहुत मुश्किल सा नहीं है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना. ये इससे कैंसिल्ड आउट हो गया, ये यहां से कैंसिल्ड आउट हो गया, एंड एक्स डिवाइडेड बाई 162 शुड बी इक्वल टू, है ना, सिंपली ये आ जाता 8y9 और ये आ जाता लेट्स से 3y4. सो इट कम्स आउट टू बी 32 डिवाइडेड बाई 27. So as per x is concerned, it is 162 multiplied by 32 divided by 27 comes out to be 192 electron volt. So mere paas 10.30 ka aa jata A option as the answer. यस बच्चे, ये पैराग्राफ क्लियर है तुम लोगों को पूरा? यस, इस पैराग्राफ में कुछ डाउट तुम लोगों को? ठीक ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए यार, थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलते हैं पैराग्राफ से. ये क्वेश्चंस मैं तो नुकसान शेयर कर दूंगा, है ना. सो नेक्स्ट लेट्स से अब थोड़ा सा मैं कम छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स से ये क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, आसान. अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम एज एन, लेट्स से नंबर ऑफ ऑर्बिट, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम एज एन, लेट्स से नंबर ऑफ ऑर्बिट. यस, ये तुम लोगों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है क्या बिल्कुल भी? नो सर. नहीं सर. एट्थ नाइन टेंथ में भी कहीं नहीं पढ़ा लॉगरिथम तुम लोगों ने? सर एट्थ में पढ़ा था. मैंने क्या एट्थ में पढ़ा था सर. ओहो सर, लॉगरिथम तो अभी तक कुछ भी नहीं आता. कभी नहीं पढ़ा लॉगरिथम क्या है? नहीं सर, कभी नहीं पढ़ा. नहीं सर, कभी नहीं पढ़ा. ग्राफ बुक के पीछे थोड़ा पढ़ा है यार. बड़े गरीब से बच्चे होना लायक तुम लोग है ना. खाली
ये आईसीएससी में नहीं होता है लॉगरिथम? नहीं, एट्थ में था, एट्थ में था, नाइन्थ में था, नाइन्थ में था लॉगरिथम। ओके, जो जिन्होंने पढ़ा है वो ट्राई करो, है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चिल आउट करो थोड़ा सा, है ना। अभी बेसिक मैथ में भी नहीं पढ़ाया गया क्या लॉगरिथम? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं पढ़ाया। ठीक है, ठीक है। अभी तक नहीं हुआ है लॉगरिथम, ठीक है। मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा कुछ बच्चों के साथ, है ना, ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा कुछ बच्चों के साथ जिन बच्चों को लॉगरिथम आता है। मैं क्वेश्चन को हटा दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि लॉगरिथम नहीं पढ़ा है उन्होंने। यस, उसका आंसर टू है। आदित्य भंसाली और अच्छा बहुत सारे बच्चों ने देखो टू आंसर दिया है यार, आता है कुछ बच्चों को लॉगरिथम भाई। यस द्रमिल, अच्छा ठीक है, जिन बच्चों को लॉगरिथम आता है वो देखो ध्यान से। यहाँ मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, यू नो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 13.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर है, और इसका अगर मैं लॉगरिथम ले लेता सो लॉग ऑफ के ई शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एंड ये लॉग ऑफ जेड स्क्वायर आ जाता। इसको फर्दर मैं लिख सकता था लॉग ऑफ के ई इक्वल टू लॉग ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ जेड, इट विल बी स्ट्रेट लाइन वेयर वाई इंटरसेप्ट ओ ए, वेयर वाई इंटरसेप्ट इज नथिंग बट लॉग ऑफ 3.4 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और यहां से एन का वैल्यू 2 आ जाए। जिन बच्चों को लॉगरिथम नहीं आता वो लॉगरिथम आने के बाद करना उस क्वेश्चन को, है ना। अभी शायद बेसिक मैथ में लॉगरिथम पढ़ाएंगे, जल्दी ही पढ़ाएंगे, है ना। ओके सर, सीबीएसई में कहीं नहीं होता 10th क्लास तक लॉगरिथम? नहीं सर, नहीं सर, सीबीएसई में नहीं है। टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना ऐसा सब नहीं सिखाते? नहीं सर, सीबीएसई नहीं सर। मानस कौन से बोर्ड में था भाई, ये क्लास 6 में? मानस कौन से बोर्ड में था? ITUS 6 में कौन से बोर्ड में था? IG 6 क्लास में बता रहा है मानस में। चलो एनीवे, मतलब कुछ बच्चों ने पढ़ा होना, हो सकता था। ए उदय, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था? या मुझे जानता हूँ कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होना चाहिए था। पढ़ा है सर। हाँ, ये उदय ने पढ़ा होना चाहिए था, उत्कर्ष ने पढ़ा होना चाहिए था, तनीषी तुमने पढ़ा होना चाहिए था, उसने कैसे नहीं पढ़ा होगा। प्रीतन, तुमने पढ़ा होना चाहिए था नालायक? हाँ सर, पढ़ा था। प्रतिष्ठा, केविन, जैवल, तुमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था लॉगरिथम? ठीक है, मतलब एनीवे, मतलब जिन बच्चों को लॉगरिथम नहीं आता है वो बाद में करना बेटा उस क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं है ना। मतलब एक बार लॉगरिथम आता तो क्वेश्चन आसान था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जहां लॉगरिथम का यूज नहीं होना है। इट्स सपोज ये क्वेश्चन है मेरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वाई एक्सिस पे गिवन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वाई एक्सिस पे गिवन है फ्रीक्वेंसी. सो यू हैव टू फाइंड आउट वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है उसमें. ए ऑप्शन बेटा, वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है पहले वो बताना है. कुछ ऐसा इक्वेशन ऑब्वियसली तुम लोगों ने पढ़ा होना चाहिए था. ये तो आसान क्वेश्चन भी लग रहा था यार मुझे. यू हैव टू यूज दिस रिलेशन. नहीं अनुज, बड़ा थोड़ा सा गलत है. देखो यू शुड नो कि यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, you know it is h nu minus work function. यार इसमें तो मुझे किसी एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है और न्यू का वैल्यू भी गिवन है. बस मुझे सीधे सीधे फार्मूला यूज करके वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है. जैसा क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि जब न्यू का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 6.62 हर्ट्ज है, तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो and you will get the value of work function. So हम maximum kinetic energy की जगह put कर देते हैं वहाँ 10 electron volt, and 10 electron volt should be equal to h nu, and h is 6.62 into 10 to the power minus 34. It is 6.4 into 10 to the power 16. Divided by 6.62. Divided by 6.62. ये आ जाता मेरे पास h nu and minus work function. जैसे मैं चाहता तो क्योंकि मुझे इसको ये अपना ये जो टर्म आता फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास जूल्स में आया है. जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता था, इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से और डिवाइड भी करना पड़ता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सो फर्दर ये आ जाता 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू, डू थिंक ये प्रिसाइजली 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन है. एंड फ्रॉम हेयर वर्क फंक्शन इज 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जैसे बच्चे ए पार्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को. यस सर. ओके बी पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन
if they are accelerated by potential difference of 2 volt, if lambda of electromagnetic radiation is now 20 nanometer. So you have to find out minimum as well as maximum kinetic energy of photoelectron. याद है क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन ब्लू हाउस में तो आज ही किया था यार ये क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का रेड हाउस में सैटरडे भी किया था ऐसा क्वेश्चन मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यस केविन तुम्हारा आंसर सही है द ए पार्ट सब बच्चों को क्लियर है हाउ इट इज 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए पार्ट Now, for B part, if you know the value of work function, W as 30 electron volt, you can separately find out the value of, let's say, HCY lambda. HCY lambda is nothing but 1240 divided by 20 nanometer in the unit of electron volt. कितना आ जाता है 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एच सी वाई लैम्डा सो यस एज पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड बी एच सी वाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन प्लस सिंस 2 वोल्ट इज अप्लाइड एज एक्सिलरेटिंग वोल्टेज So 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यहां ऐड कर दे विच कम्स आउट टू बी 62 माइनस 30 प्लस 2 एंड इट इज 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट कम्स आउट टू बी 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अच्छा ये हम लोगों ने कभी क्लास में भी समझा था W इज द मिनिमम एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड मे बी मोर देन दैट ऑफ W है ना सो यू कैन सिंपली अज्यूम फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा जो एनर्जी था फोटोन का विच इज एच सी अपॉन लैम्डा गेट कंज्यूम्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ओनली So just after metal plate, its kinetic energy is zero, but 2 electron volt is applied as accelerating voltage. So its minimum kinetic energy will be 2 electron volt. So eventually, as per range of kinetic energy is concerned, range will be 2 to 34 electron volt. पॉसिबल रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 to 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस बच्चे किसी को कुछ डाउट है इसमें अमोघ अनुज आर्या अक्षा थोड़ा कुछ डाउट है किसी को इथान हरिप्रिया जैवल विशेषा मानस नमन जी ग्रेफ ग्रेफ वाले और भी क्वेश्चंस कर लोगे ऐसे तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही मैं ग्राफ वाला ही दूंगा है ना
जी क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिखा है तुम लोगों ने? ओके लेट्स से मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा सही है. आई होप तुम लोग जल्दी से फिनिश करोगे उसको. फॉर ए टिपिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज द ग्राफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई कॉरेस्पॉन्ड टू लैम्डा लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट, जहां लैम्डा का वैल्यू गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम. सो लैम्डा इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम के लिए वाई वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेट्स यहां भी एज पर क्वेश्चन इज कंसर्न यू हैव टू यूज दिस रिलेशन. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच सी वाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. और विच इज सेम एज लेट्स से एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना. कैन यू सजेस्ट मी फ्रॉम दिस ग्राफ वर्क फंक्शन का वैल्यू है कितना? ठीक है करो क्वेश्चन. आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर कि तुम लोग जल्दी से मुझे बताओगे. जो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया है देवांश बड़ा तुम्हारा आंसर सही नहीं था. विनित तुम्हारा आंसर सही है. वशिष्ठ राजगुरु तुम्हारा आंसर भी सही है. यह सक्षा पाठक तुम्हारा आंसर सही है. बच्चे यस उदय तुम्हारा आंसर भी सही है. यस विशेषा तुम्हारा आंसर भी सही है. बच्चे
अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर सही बता रहे हैं, उसका आंसर ए ऑप्शन है। अच्छा ए ऑप्शन कैसे है, एक बार वो देख भी सकते हो तुम लोग, है ना। जैसा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कैन वी से इफ न्यू का वैल्यू इज जीरो, है ना, न्यू का वैल्यू इज जीरो, थियोरेटिकली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस डब्लू, थियोरेटिकली, है ना। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो हो जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन हो जाता थियोरेटिकली। सो ये वाला जो वैल्यू है इट शुड बी नथिंग बट माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, एंड दस वर्क फंक्शन का वैल्यू आ जाता 428.4 किलो जूल पर मोल। Yes, are you getting my point? Work function का value है ना? अच्छा, once we know work function का value, separately we can find out the value of HCY lambda also, correspond to lambda का value question में given है 2000 angstrom, जो approximately आ जाता 12400 divided by 2000 in the unit of electron volt. अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 96 से, बेटा 96 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट हो जाता था, वो इट विल बी इन द सेम यूनिट एज किलो जूल्स पर मोल, इन द सेम यूनिट ऑफ लेट्स से किलो जूल पर मोल बन जाता है ना। ये वाला वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आ जाएगा 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 96 किलो जूल पर मोल, और कितना बन जाएगा 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 96, मतलब नियरली 600 बन जाएगा शायद, है ना, नियरली। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये बन जाएगा 600 किलोजूल पर मोल। अच्छा, 600 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं वर्क फंक्शन को, सो एच सी वाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज 600 माइनस 428, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 172 किलो जूल। डू यू थिंक अप्रोक्सीमेटली 172 किलो जूल इज ए ऑप्शन एज ए आंसर? वैसे बच्चे आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो पहले हम लोगों ने वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, फिर हम लोगों ने एच सी अपॉन लैम्डा का ये वर्क फंक्शन कैसे मिला वो समझ में नहीं आया। बेटा देखो, इस इक्वेशन को देखो ना, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज एच न्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। डू यू थिंक अगर मैं न्यू का वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन आ जाएगा क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मैथमेटिकली? यस सर। अच्छा, फिर अगर मैं ये वाले पॉइंट की बातें करूं तो यहां तक आते हैं, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दिया है क्या? अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी है अभी माइनस 428.4, वही माइनस डब्ल्यू भी है फिर, तो वहां से मैं वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। ओके, okay.
वर्क फंक्शन का वैल्यू आया, एच सी अपॉन लैम्डा का वैल्यू कैन फाइंड आउट सेपरेटली। फिर क्वेश्चन बन जाएगा। यस बच्चे, क्वेश्चन लिखा तुम लोगों ने? Have you note down this? भाई कुछ हाँ ना बोला करो ना। Yes sir. मतलब ऐसे हो जाता है कि तुम लोगों ने साइड में अपना डिवाइस रख के कहीं बाहर सोने के लिए चले गए हो, है ना? ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं सर। नहीं सर। ओके। सर तभी स्कूल कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है। हाँ इसलिए स्कूल कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है। तो स्कूल में कैसा चल रहा है कैमरा ऑन करने के बाद? और वो अनम्यूट भी नहीं करना ना स्कूल में? नहीं सर, अनम्यूट टीचर ही करती है। सर कैमरा ऑन करने का सिस्टम सही नहीं लगता सर, अभी बाल इतने बड़े बड़े हो गए, भूत लगता हूँ मैं तो। बाल काट ले भाई, एकदम घर पे कैची लेके काटो बाल को, है ना? सर रिस्क नहीं लेता मैं, पता चले कुछ गड़बड़ हो गया तो। अरे अभी बहुत टाइम लगेगा घर से बाहर निकलने में, है ना? कोई रिस्क मत लो, सब काट लो इधर उधर, है ना? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी काफी हो गए। चलो तुम जल्दी से मुझे बताओ, अब मैं कुछ मोल के क्वेश्चंस कराऊं या एटॉमिक के क्वेश्चंस ही कंटिन्यू रखूं पहले? मोल का एटॉम। चलो फिर मैं एक एटॉमिक कराऊंगा फिर मोल कराता हूं, है ना? तो ये वाला क्वेश्चंस करो मेरे लिए एटॉमिक का, ये आसान रहेगा। डिटरमाइन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रुको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराता हूँ, शायद थक गए होंगे तुम लोग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अच्छे होते हैं जिसमें ऑप्शंस दिया होता है। तो किसमें मेरे पास ऑप्शंस दिया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप? यस ये यार ये क्वेश्चन तो तुम लोग को फोड़ना चाहिए यार। ये क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने पहले इसके जैसा? हर एक केस में मुझे Z का वैल्यू बताना है तुम लोगों, है ना? हर एक केस में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z, एटॉमिक नंबर। मैं तुम लोग का आंसर का वेट करूंगा। हर एक केस में तुम लोगों को मुझे Z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में, थर्ड का आंसर एंड फोर्थ का आंसर। हर एक केस में तुम लोगों को Z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। होल क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, अभी देख दो, अभी करता हूं। फिर से शेयर करता हूं, दिखेगा क्वेश्चन। सो फर्स्ट वाले केस में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाले केस। पहला कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए फर्स्ट वाला चलो मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूं फर्स्ट वाला, बाकी फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन करोगे।
So in the case of, let's say, first one, we know, let's say, potential energy. Potential energy is -27.2 times of z square by n square है, and kinetic energy is +13.6 z square divided by n square. ऐसा कुछ हम लोग को पता है, potential energy versus kinetic energy. U12 means मेरे पास z का value 2 था और n का value 1 है. So potential energy U12 should be equal to -27.2 z का value let's say 2 है और n का value let's say 1 है, तो ये हो गया multiplied by 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ काइनेटिक एनर्जी लेट्स से यहाँ कुछ है 1, z, सो ये हो जाता सिंपली 36 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर जो मुझे फाइंड आउट करना है. डू यू थिंक इन दोनों में जो रिलेशन है, जो वैल्यू दिया है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज -8:1. तो डू यू थिंक ये z का वैल्यू 1 आ जाएगा बस सीधे सीधे इसमें? सो फर्स्ट वाले केस में डू यू थिंक यहां z का वैल्यू बस 1 हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज नथिंग बट 8 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. यस, देखो कुछ बच्चों ने मुझे पूरा पूरा ही आंसर शायद बता दिया है और उसका आंसर सही भी है. यस, सेकंड वाले केस में जेड का वैल्यू कितना आ रहा है? सेकंड वाले केस में 2 है. देखो सब बच्चे एक बार वेरीफाई कर लेना भैया. यस सर. और थर्ड वाले केस में जेड का वैल्यू क्या आना है? 3. और फोर्थ वाले केस में जेड का वैल्यू क्या आना है? 3. देखो भाई मुझे इस पर भरोसा नहीं है ना. फोर्थ वाले में 4 आ रहा है. फोर्थ वाले में 4 आ रहा है. एक बार वेरीफाई करो भाई, क्योंकि कुछ बच्चों को 3 भी आ रहा है. सर मुझे 3 आ रहा है. अच्छा, जो कुछ बच्चों को 3 आ रहा है, कुछ बच्चों को 4 आ रहा है और कुछ बच्चों को 8 भी आ रहा है अनफॉर्चुनेटली. चलो मैं फोर्थ वाला कर देता हूं तुम लोगों के लिए ना. फोर्थ वाले केस में वी ऑलरेडी नो दिस टाइम पीरियड is proportional to n cube divided by z square, है ना? तो जो time period है, it is proportional to, let's say, n cube divided by z square. तो first वाले केस में हम लोग कुछ ऐसा बोल सकता था tn या t1, 2, है ना? It may be written as t1, 2 divided by t2, z should be equal to, ये हो गया 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, एंड इट इज 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय
z का स्क्वायर. z स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाता 8 इंटू 4 इट इज 32. तो ये आ जाता z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32. क्वेश्चन में गिवन है 9 डिवाइड बाई 32. z स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9 एंड z का वैल्यू आएगा 3. तो लास्ट वाले के लिए भी z का वैल्यू 3 आना चाहिए. लास्ट वाले के लिए भी z का वैल्यू 3 है. सो आंसर इज z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 3. यस बच्चे, ये क्वेश्चन समझा है तुम लोगों ने? Yes, sir. हटा दूँ इस क्वेश्चन को मैं. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को भेज ही दूंगा यार, है ना. और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इतने टाइम है हम लोग. ओके, अभी हाल फिलहाल इसी के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं. ओके, ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ये तो एकदम ही आसान सा है ना. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटाइज्ड, कंसीडर बोर मॉडल टू बी वैलिड ऑन एन एटम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. इसमें कितने कितने क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड हैं. किसी बच्चे का मुझे आंसर आया है, बट शायद उसका आंसर सही नहीं था, शायद, है ना. मानो शायद एक बार फिर से चेक करो. अमोक, शायद तुम्हारा आंसर सही है, और किसी एक बच्चे ने सेम आंसर और दिया था. नमन, ठीक है, मतलब देखो वन बाई वन हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वांटाइज्ड है. जो क्वांटाइज्ड है मैं उसको ग्रीन से सर्किल करता हूं. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्वांटाइज्ड है, पोटेंशियल एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, वेलोसिटी क्वांटाइज्ड है, रेडियस क्वांटाइज्ड है, और एक्साइटेशन एनर्जी क्वांटाइज्ड है. 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. ये आंसर होना चाहिए इसका, सी ऑप्शन. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है दे कैन हैव ओनली सर्टेन फिक्स वैल्यूज. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सम फिक्स वैल्यूज, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन हैव सर्टेन फिक्स वैल्यूज, एक्साइटेशन एनर्जी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सो इट हैज सम फिक्स वैल्यूज. सो ये जो मैंने सिक्स ग्रीन से जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो सबके सब क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है ना. तो कितने हैं ये, फाइव सिक्स है, फाइव है, 1, 2, 3, 4 फाइव ही तो है शायद. फाइव ही है ना शायद, ये सिक्स है. टोटल एनर्जी, ओके सिक्स था, सिक्स था, सॉरी, है ना.
यस बच्चे, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, एक मोल का क्वेश्चन भी कर ही लो यार, है ना, मोल में भी है, आसान का क्वेश्चन रखूंगा मैं, लास्ट वन है ना, मोल, से मोल के लिए तुम कुछ ऐसा आसान सा मस्त क्वेश्चन करो, है ना, तो तुम लोगों को दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे, ये क्वेश्चन नंबर वन और ये क्वेश्चन नंबर टू, मानस बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत जल्दी आंसर दे देता है, ऑल्दो कई बार सही हो सकता है कई बार गलत हो सकता है बट आंसर बहुत जल्दी दे देता है। जो किसी बच्चे का मेरे पास ए ऑप्शन आंसर आ रहा है, किसी बच्चे का बी ऑप्शन आंसर भी आ रहा था, अब अभी भी मेरे पास इक्वल इक्वल वोट ही है, फिर किसी बच्चे ने ए आंसर बताया अनफॉर्चुनेटली, फिर किसी बच्चे ने बी आंसर बताया वापिस ए, ए का वोट मेरे पास बढ़ चुका है, ए ए का वोट मेरे पास बढ़ रहा है भाई, है ना, मैं फिर से चेक कर लेना क्योंकि आंसर शायद दूसरा है। तो देखो हर एक में हम लोग NaOH के मोल्स फाइंड आउट कर ले, है ना, हर एक में हम लोग को NaOH के मोल्स फाइंड आउट करना है, इट इज 200 ग्राम एंड 20% वेट वाई वेट, दो मिनट करो करो, हो गया सर। ओके, देखो बी ऑप्शन आंसर है उसका, शायद ए नहीं है, एक बार चेक करना फिर से, ऑब्वियसली 200 ग्राम का 20% इज 40 ग्राम एंड 40 ग्राम मींस 1 मोल ऑफ NaOH, है ना, सेम 400 का 40% मींस कितना हो जाता है, 400 का 40% 160 ग्राम डिवाइड बाय 40, सो इट इज 4 मोल, देन इट इज गिवन एज 1080 ग्राम ऑफ 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। तो डू यू थिंक ये भी सब मिला के मेरे पास यहाँ आ जाता है 2 मोल,
और यहाँ 50 ग्राम ऑफ 80 तो वो 2.16 होगा ना 2.16 होगा हाँ सर 2.16 नहीं 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 बच्चे ध्यान से देखो ये पूरे सॉल्यूशन का मास इतना है बेटा ये सॉल्यूशन का मास है इसमें सॉल्वेंट का मास तो 1000 ग्राम ही है भाई बेटा 1080 में से 80 ग्राम तो NaOH ही है 3rd वाले केस में ये तो परफेक्टली 2 मोल आ जाएगा हाँ सर अच्छा 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर मींस 40 ग्राम एंड 40 ग्राम इज सेम एज लेट्स से 1 मोल तो ये सब मिला के मेरे पास 8 मोल ऑफ NaOH हो जाते ऐसा बी ऑप्शन का आंसर भी बता सकते हो तुम लोग In second case, he poured the content of container 1, 2 and 3 in empty container 5, then the molality of resulting solution will be. अमोग नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है नहीं उदय तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है बच्चे वशिष्ठ तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है यस जैवल तुम्हारा आंसर सही था यस सिस्टी तुम्हारा आंसर भी सही है आर्या जोशी तुम्हारा आंसर भी सही है हरिप्रिया यस सर अब बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है सो आंसर इसका सी ऑप्शन है इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है ना कंटेनर 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 एम्प्टी कंटेनर 5 में डाल दिया है और हम लोग को मोलालिटी फाइंड आउट करना है इसे मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग यहाँ एज्यूम कर सकते थे यहाँ वाटर का मास कितना है सो 200 ग्राम में से 40 ग्राम तो था मेरे पास NaOH तो यहाँ 160 ग्राम था वाटर या सॉल्वेंट लेट्स 140 ग्राम और यहाँ भी 60% मींस कैन यू से इट इज 240 था ये है ना 240 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ था और थर्ड वाले केस में यहाँ 1000 ग्राम ऑफ वाटर था तो सब मिला के मेरे पास जो वाटर था वो 150 ग्राम था सॉल्वेंट का मास तो सॉल्वेंट का मास इज 1500 और सब मिला के यहाँ मोल्स थे 1 + 2, 3 + 4, 7 7 मोल्स थे है ना ये कुछ ऐसा ही आएगा कुछ गड़बड़ किया है मैंने सर ऐसा ही है ना 1400 मल्टीप्लाई सर इट विल बी 1400 है सब मिला के अच्छा 160 yes, plus 240 1400 है So it is nothing but let's say 1400 multiplied by 1000, है ना? So it comes out to be perfectly 5 molal. It comes out to be perfectly 5 molal.